अगर कोई बुखार में हो और उसके बाद एंटीबायोटिक ले रहा हो तो वो सावधान हो जाए। आईसीएमआर ने एंटीबायोटिक्स दवाओं को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि गंभीर संक्रमण, निमोनिया जैसी बीमारियों में ही 5 से 8 दिनों तक एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। इससे ज्यादा सेवन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस के क्या मायने हैं, एंटीबायोटिक्स का बेअसर होना हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एंटीबायोटिक्स यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने की एक कारगर दवा, लेकिन अब ये बेअसर साबित हो रही है क्योंकि लोग हल्का बुखार होने पर भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ऐसे में आईसीएमआर ने एंटीबायोटिक को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। आईसीएमआर ने डॉक्टरों को भी सामान्य मामलों में मरीजों के लिए इन दवाओं को लिखने से परहेज करने को कहा है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि स्किन सेल से जुड़े इन्फेक्शन के मामलों में मरीज को 5 दिनों तक एंटीबायोटिक दी जा सकती है। वहीं अस्पताल में भर्ती निमोनिया के मरीज को 8 दिनों तक एंटीबायोटिक खाने की सलाह दी जा सकती है। आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि बीमारी की गंभीरता की जांच होने के बाद ही एंटीबायोटिक की सही मात्रा देना चाहिए। दरअसल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की रोकथाम और उसे खत्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन सामान्य इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करने से शरीर के गुड बैक्टीरिया बेजान हो जाते हैं, जबकि बीमारी वाले बैक्टीरिया मजबूत हो जाते हैं जो बाद में एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते। इस गाइडलाइन के आने की पीछे की वजह यह है कि आईसीएमआर ने पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच एक सर्वे किया था, जिसमें यह बात सामने आई कि भारत में बड़ी संख्या में रोगियों पर कुछ एंटीबायोटिक बेअसर साबित हो रहे हैं। आईसीएमआर ने अपनी स्टडी में पाया कि कोरोना के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के लोगों ने एंटी माइक्रोबियल दवाइयों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया। नतीजा यह रहा कि कई महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं। खासकर आईसीएमआर ने पाया कि आईसीयू में निमोनिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली कारगर दवा कार्बापेनम्स अब उन मरीजों में असरदार नहीं रही जिन्होंने एंटीबायोटिक दवाओं की ज्यादा डोज ली है। दरअसल उनकी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। ये भी जानना जरूरी है कि कोई एंटीबायोटिक दवा ज्यादा समय तक लेने पर किडनी के अलावा लीवर पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो मुंह में छाले पड़ना, मोटापा, एलर्जी और टाइप 1 शुगर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बगैर डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक कतई नहीं लेनी चाहिए, वरना गंभीर संक्रमण होने पर यही दवा बॉडी पर बेअसर साबित हो सकती है और संक्रमण से जान जाने का खतरा भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।